कुछ दिनों पहले तक अलग सर स्केलर थे, लेकिन अब वो वेक्टर हो गए। समझ गए, समझ गए, इधर उधर कहीं भाग नहीं सकते। जैसे मान लो, मान लो ये कलुआ है और ये रामलाल है। रामलाल अभी बैचलर है, अभी कुंवारा है और ये पढ़ाई कर रहा है, तो ये स्केलर हुआ और कलुआ की शादी हो गई, कलुआ मैरिड है, तो ये वेक्टर हो गया। कैसे? रामलाल अपने जीवन में जिधर चाहे उधर देख सकता है, इधर देख सकता है, इधर देख सकता है, इधर देख सकता है, इसे अपने नजर को कहीं भी घुमा सकता है, लेकिन कलुआ को इसकी नजर फिक्स ही रखनी पड़ेगी, इसी डायरेक्शन में देख सकता है, अपने पत्नी की तरफ। इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। क्यों सर? इधर करके तो देख एक बार, सीधा टेंशन बन जाएगा। हाँ, वो भी पढ़ाऊंगा आगे चल के, अभी उसकी जरूरत नहीं है, सीधा वेक्टर से टेंशन बन जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन फिक्स है, ये किसी रैंडम डायरेक्शन में किसी के भी पीछे भाग नहीं सकता, इसकी डायरेक्शन फिक्स है। कल्लूवती के साथ इसकी शादी है, लेकिन रामलाल का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। रामलाल किसी के भी पीछे भाग सकता है। रामलाल अभी तुम्हें 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 देखेगा कि इधर भाग रहा है, कभी रामलाल इधर भाग रहा है, कभी कोई इधर दिख गई तो इधर भाग रहा है, कोई नीचे दिख गई तो इधर भाग रहा है, कोई इधर दिख गई तो इधर भाग रहा है, इधर दिख गई इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। तो ये स्केलर है। तो जिसकी शादी हो जाती है वो वेक्टर बन जाता है, उसकी डायरेक्शन एकदम फिक्स हो जाती है। और जो बैचलर होता है वो स्केलर होता है, उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। हाँ, कुछ दिनों पहले तक अलग सर स्केलर थे, रैंडम डायरेक्शन था, मतलब डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं था। रैंडम का कोई डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं, कहीं भी जा सकता है वो, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अब वो वेक्टर हो गए। समझ गए, समझ गए, इधर उधर कहीं भाग नहीं सकते। बताओ वेक्टर और स्केलर के कुछ एग्जांपल्स बताओ, कोई है स्केलर की? सब वेक्टर ही है।